हाय, मेरा नाम है सुनील और आपका स्वागत है इंडियन जूता वाला में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू बैलेंस का नया शू, जिसका नाम है स्टोन आइलैंड टोक्यो डिजाइन स्टूडियो फ्यूल सेल आरसी एलाइट V2। वाव, इतना बड़ा नाम! लगता है न्यू बैलेंस कंपनी और टोक्यो डिजाइन ने सारी खोज इसी शू पर कर दी है। खैर चलो, शू को रिलीज किया जाएगा न्यू बैलेंस की वेबसाइट पर 23 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे। शू का प्राइस आपको $219.99 देखने को मिलेगा, जिसका भारतीय करेंसी में प्राइस लगभग 22,496.25 पड़ेगा, जो कि काफ़ी आई थिंक मेरे हिसाब से महंगा है। इस शू में आपको न्यू बैलेंस और स्टोन आइलैंड का कोलेबरेशन देखने को मिलेगा। शू का स्टाइल कोड कंपनी की तरफ से MSRCELTD दिया गया है। इशू का वेट 269 ग्राम दिया गया है। बात करते हैं प्रोडक्ट की डिटेल की, तो सबसे पहले न्यू बैलेंस का कहना है कि फ्यूल सेल डिलीवर करता है एक प्रोपल्सिव फील, जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट, आपको प्रीमियम और सिंथेटिक ओवरलेज देखने को मिलती हैं। इसमें थर्ड पॉइंट, फुल लेंथ कार्बन फाइबर प्लेट देखने को मिलती है। फोर्थ स्पेसिफिकेशन में आपको ट्रेडिशनल कॉलर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। फिफ्थ स्पेसिफिकेशन में मिडसोल को कटआउट किया गया है, ताकि वेट रिडक्शन किया जा सके और प्लेट विजिबिलिटी इजिली दिख सके, जो कि शू में इजिली नीचे से दिख रही है। सिक्स्थ स्पेसिफिकेशन में ये परफोरेटेड आउटसोल को बनाया गया है, ताकि शू का वेट रिड्यूस किया जा सके और ट्रैक्शन को इंक्रीज किया जा सके। सेवन्थ स्पेसिफिकेशन में शू में लेज क्लोज दी गई है, ताकि पैरों में शू फिट रहे और ग्रिप बनी रहे। एट्थ स्पेसिफिकेशन की ओर चलते हैं, तो शू में को ब्रांडेड 3D स्क्रीन प्रिंट लोगो भी देखने को मिलता है, जो कि शू को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। शू की 9th स्पेसिफिकेशन, शू के राइट साइड में न्यू बैलेंस का ग्राफिक इजीली देखने को मिलता है, और लेफ्ट शू स्टोन आइलैंड कंपास लोगो का शो करता है, जो कि काफ़ी रेड कलर के साथ अट्रैक्टिव भी है। 10th स्पेसिफिकेशन की तरफ से लास्ट में न्यू बैलेंस का कहना है कि आइटम कैन नॉट बी रिटर्न, सो प्लीज जब भी शू को परचेज करें तो इस बात का जरूर ध्यान देना कि शू वापस नहीं होगा। तो यहाँ पर होती है शू की स्पेसिफिकेशन खत्म। तो जल्द मिलते हैं नए शू नए वीडियो के साथ। टिल देन इंडियन जूता वाला के साथ जुड़े रहिए। Thank you.